फतेहाबाद में पंचनद सदन का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑनलाइन शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री की तरफ से सदन को बनाने के लिए 21 लाख रुपए सरकार की ओर से देने की घोषणा की गई। इस मौके पर पंचनद स्मारक ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष और थानेसर से विधायक सुभाष सुधा मौजूद रहे। आपको बता दें, फतेहाबाद में यह भवन 10 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। सर्वप्रथम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमारे पंचनद सदन फतेहाबाद के नाम से जमीन अलॉटमेंट करी। सर्वप्रथम उनका धन्यवाद करूंगा, उसके साथ साथ आज इसका शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहां पर मुबारकबाद भी दी और अपने कोटे से 21 लाख रुपये की राशि भी दी। और आज यहाँ फतेहाबाद के जितने भी हमारे बुजुर्ग, जिन्होंने 21 लाख रुपया, 11 लाख रुपया दो ट्रस्टियों ने यहाँ पर दान दिया, मैं सभी ट्रस्टियों का दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद किया था मुख्यमंत्री जी ने। हाँ, आज मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया था, क्योंकि कोविड का समय है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस रखना पड़ता है, इसलिए उन्होंने समय आज देखो किस प्रकार से किसान जो है पूरे बॉर्डर बैठे, इसलिए मुख्यमंत्री जी की सारी उनके देखना होता है, इसलिए उन्होंने। वहीं 27 दिसंबर को होने वाले पंचकुला नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने कुलभूषण गोयल को मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शनिवार रात 8 बजे उनके नाम की घोषणा की। बीजेपी से मेयर पद का चुनाव लड़ने के लिए 18 नेताओं ने आवेदन किया था। एक एक नाम पर विस्तार से चर्चा करने के बाद अंत में कुलभूषण गोयल का नाम तय हुआ। मेयर के अलावा वार्डों से उम्मीदवार फाइनल करने के लिए 5 घंटे माथापच्ची हुई। मीटिंग में पंचकुला के अलावा सोनीपत, अंबाला और कुछ अन्य नगर परिषद के होने वाले चुनाव में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़ और बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। किसान आंदोलन को किसी भी तरह खत्म किया जाए, इसके लिए हरियाणा सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। इसी वजह से सरकार अब किसानों को उनकी भलाई के लिए किए गए काम गिनवाकर उनके द्वारा लड़ाई को खत्म करने के लिए जुट चुकी है। और आगे क्या करने जा रही है, इसके आंकड़ों समेत जानकारियां जो है वो केंद्र और हरियाणा सरकार किसानों तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचा रही है। कोविड काल में सरकार ने कैसे किसानों को लाभ पहुंचाया, कैसे उनकी गेहूं की फसल खरीदने के लिए लॉकडाउन में वैकल्पिक मंडियों की व्यवस्था की और एमएसपी पर उनका सारा गेहूं खरीदा और किस तरह से किसानों की पेमेंट सीधे उनके खातों में पहुंचाई, जानकारियों से आंदोलन के इस दौर में किसानों को अवगत कराया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत किसान संबंधी परियोजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा रही है। हरियाणा सरकार ने इसी योजना के तहत कृषि संबंधी करीब 6,600 करोड़ रुपए इसके लिए केंद्र सरकार से बजट मांगा हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि इन परियोजनाओं से हरियाणा की किसानों में काफी सुधार आएगा और किसानों की आर्थिक हालत सुधरेगी। किसान आंदोलन को लेकर अब कांग्रेस भी हरियाणा सरकार पर हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला। सुरजेवाला ने कहा कि जेजेपी नेता और हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत करने का ढोंग और फोटो खिंचवाने के बजाय अपने पद से त्यागपत्र देते हुए प्रदेश के खट्टर सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। दुष्यंत के पास सत्ता की मलाई में हिस्सेदारी के लिए बीजेपी नेताओं से नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनावी गठबंधन और राजनीतिक सौदेबाजी करने के लिए तो समय है, लेकिन किसान आंदोलनकारियों से बात करने की फुर्सत ही नहीं है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को अंबाला छावनी सिविल अस्पताल से पीजीआई रोहतक शिफ्ट कर दिया गया। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के जनसंपर्क विभाग के इंचार्ज डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को निगरानी के लिए पीजीआई एम्स में भर्ती किया गया। उन्हें संस्थान के स्पेशल वार्ड में देर रात भर्ती किया गया। रोहतक पीजीआई की टीम प्लाज्मा थेरेपी देने पर विचार कर रही है। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ठीक है और जल्द ठीक होकर वो वापस घर जाएंगे।
वहीं डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जब तक मंत्री जी की कोविड 19 की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक उनसे मिलने अस्पताल में ना आए। हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज हैं वो कल रात को करीब 10:30 बजे के करीब हमारे अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इनको कोरोना की शिकायत थी जिसका ट्रीटमेंट अम्बाला में चल रहा था और उनको एक कोर्स रेमडेसिविर जो कि एंटीवायरल ड्रग है दिया जा चुका है। वैसे जो इनकी हालत है वो स्टेबल है लेकिन जो टेस्ट हुए हैं उनके जो स्कैनिंग में थोड़े पैचेज आए और फीवर की शिकायत थी, तो ये देखते हुए कि पूरा इलाज होना चाहिए उन्होंने अपने आप को हमारे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए एग्री किया। हरियाणा में नशे के खिलाफ बेशक खट्टर सरकार की ओर से पुरजोर अभियान चलाया हुआ है और इस अभियान के तहत गांव से शहरों के गलियों तक युवाओं को प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। लेकिन अब खेल विभाग भी नशे को जड़ से खत्म करने के लिए प्रदेश के युवाओं को अपने साथ जोड़ने के दिशा में जमीनी प्रयास करता दिखाई दे रहा है। इसके तहत जहां खेल मंत्री संदीप सिंह ने नए साल पर नया संकल्प लेते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर के आदेश पर खेलों का ध्यान खींचने की कवायद को छेड़ा हुआ है, तो वहीं युवाओं के प्रति लगाव पैदा करने के मकसद से अगले वर्ष प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा खेल इवेंट करने की तैयारियों को भी शुरू किया हुआ है। बताया जा रहा है कि इस इवेंट को सरकार की ओर से खेलो इंडिया 2021 का नाम दिया गया है जिसमें देश भर से 12,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। कृषि कानूनों को रद्द कराने को लेकर किसानों का आंदोलन लंबा होता जा रहा है और केंद्र सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई फैसला नहीं हो सका। बातचीत विफल होने के बाद किसान सरकार पर दबाव बनाने में जुट चुके हैं। इसके लिए किसानों के जत्थे लगातार बुलाए जा रहे हैं, तो अन्य राज्यों में किसानों को ज्यादा से ज्यादा बुलाने के लिए संपर्क किया जा रहा है। हालात ये हैं कि अकेले पंजाब से 2 दिन में करीब 15,000 से ज्यादा किसान कुंडली बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और वहां किसानों का पड़ाव बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय और राज्य खुफिया एजेंसियों ने किसानों के धरने में बढ़ती भीड़ को देखकर बवाल की आशंका जताई। इसके मद्देनजर डीसी श्यामलाल पूनिया ने जिले भर में धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया। आपको बता दें किसानों ने 27 नवंबर से नेशनल हाईवे 44 के कुंडली बॉर्डर पर डेरा डाला हुआ है, जहां पहले दिन करीब 2,000 ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों में 25,000 किसान कुंडली बॉर्डर पर पहुंचे थे। उसके बाद से किसान लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 15 दिन के अंदर किसान दोगुने हो गए हैं। हरियाणा के टोहाना उपमंडल के गांव में राजनेताओं की एंट्री बंद हो चुकी है। ग्रामीणों ने गांव के मुख्य मार्गों पर पोस्टर लगाए हैं कि एंट्री करने वाले नेता खुद जिम्मेदार हैं। आपको बता दें किसान आंदोलन जिस प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है, किसानों के संघर्ष को मजबूती मिलती जा रही है। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। हमने बैनर लगाए हैं गांव के अंदर, तो उसमें क्या है कि सभी पार्टियों का बहिष्कार किया हमने। हमने गांव का पूरे गांव का इकट्ठा किया गुरुद्वारा साहब में, तो उसमें मता पास किया गया, उसमें सभी मौजूदा साहब का सरपंच नंबरदार मौजूदा आदमी सभी उसमें शामिल थे और हमने उनसे पूछा कि इस बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने यही बताया कि अच्छा ही है कि लगाओ बहिष्कार करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ कोई भी नेता नहीं खड़ा। आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गनर रहे गुरुग्राम जिले के गांव बादशाहपुर निवासी स्वतंत्रता सेनानी जगराम का शनिवार को निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। अंतिम विदाई के दौरान प्रशासनिक की ओर से नायब तहसीलदार सुशील कुमार, सिविल लाइन्स थाना प्रभारी वेद प्रकाश, अर्जुन नगर पुलिस चौकी प्रभारी मोहन सिंह के अलावा
पुलिसकर्मी और अधिकारियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। पुलिस की टुकड़ी की ओर से शस्त्र झुकाकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी को सलामी दी गई। वहीं इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति गुरुग्राम इकाई के अध्यक्ष कपूर सिंह दलाल और महासचिव सूबेदार बिजेंद्र सिंह ठाकरान ने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध में जगराम को पैर और हाथ में गोली लगने के बावजूद भी उन्होंने अंतिम समय तक लड़ाई में भाग लिया था। हरियाणा में कोरोना महामारी के दौरान एक बार फिर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। आपको बता दें 14 दिसंबर यानी कि कल से सरकारी और निजी स्कूलों को खोला जाएगा। सरकार ने केवल 10वीं और 12वीं के छात्रों को ही स्कूल में बुलाने का निर्णय लिया है। 8वीं कक्षा तक के स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। अब 9वीं और 11वीं की कक्षाएं नहीं लगेंगी। स्कूलों को दोबारा से खोलने का निर्णय बुधवार देर शाम शिक्षा मंत्री कमरपाल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। इसमें शिक्षा विभाग के सभी उच्च अधिकारी शामिल रहे। हालांकि स्कूलों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके तहत स्कूल के मुखिया को 8 दिसंबर 2020 को जारी स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी का पालन सुनिश्चित करना होगा। 14 दिसंबर से स्कूलों में पहले की तरह कक्षाएं तो लगेंगी, लेकिन कोरोना के मद्देनजर सिर्फ बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी स्कूल आएंगे। इसके लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के टुहाना थाना क्षेत्र के कुणा कस्बे में एक किसान का निर्दयी चेहरा सामने आया। गन्ने के खेत में गन्ना तोड़ने को लेकर किसान ने 10 साल के एक बच्चे की बेरहमी के साथ पिटाई कर दी, और वो भी बच्चे के दोनों हाथ पीछे की तरफ एक रस्सी से बांधकर। इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। टुहाना थाना के SHO इंस्पेक्टर जय भगवान ने कहा कि किसान द्वारा बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो सामने आने के बाद इस मामले को लेकर हम मौके पर जा रहे हैं और नियमानुसार उचित कार्रवाई आरोपी के खिलाफ की जाएगी। वायरल वीडियो में किसान बच्चे की लगातार डंडों से पिटाई करता हुआ दिखाई दे रहा है और आज दोपहर करीब 3 बजे की यह घटना बताई जा रही है। एनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कृषि मौसम विज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने मौसम को लेकर जानकारी जारी की है, जिसके अनुसार हरियाणा राज्य में 16 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर खुशक रहने की संभावना है, लेकिन 15 और 16 दिसंबर को कहीं कहीं हल्के बादल बने रह सकते हैं और इस दौरान उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात के तापमान में हल्की गिरावट और कहीं कहीं सुबह और देर रात धुंध रहने की संभावना है, जिससे ठंड और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। हरियाणा में गेहूं की फसल की बिजाई अभी पूरी नहीं हुई कि गेहूं खरीद की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। 5 माह पहले विभाग के एसीएस आला अफसरों के साथ बैठक कर चुके हैं। बैठक में मंथन हुआ के धान सीजन में जो किसी तरह की कमियां रह गई उनसे सबक लेकर गेहूं सीजन की तैयारियां अभी से शुरू कर दी जाए। अब किसानों की समस्याओं को निपटाने के लिए ग्रीवेंस रेसर सेल बनाए जाएंगे, जो 15 मार्च 2021 से काम शुरू कर देंगे। यही नहीं, अब की बार किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत 1 जनवरी से पंजीकरण करा सकेंगे। किसानों के लिए कॉल सेंटर बनाए जाएंगे। एक कॉल सेंटर मार्केटिंग बोर्ड के डायरेक्टर के ऑफिस में बनेगा, एक सेंटर खाद्य और आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के ऑफिस में बनाया जाएगा। इसमें हर रोज की जानकारी अपडेट रहेगी। हर मंडी में किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए किसान सेवा केंद्र के जरिए समस्याओं का समाधान होगा। स्टेट मुख्यालय में रोजाना की रिपोर्ट भेजनी होगी। अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां पर जेसी बोस YMCA विश्वविद्यालय परिसर जल्द ही सौर ऊर्जा पर चलेगा। आपको बता दें, विश्वविद्यालय ने ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत से स्वच्छ ऊर्जा की ओर एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने परिसर में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए एक सोलर एनर्जी कंपनी के साथ समझौता किया। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने कहा कि यह विश्वविद्यालय के लिए पूरी तरह से निःशुल्क होगा, क्योंकि इस सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना और रखरखाव की लागत कंपनी की तरफ से वहन की जाएगी। तो साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य ग्रीन कैंपस पहल को बढ़ावा देना है। देखिए, जो आज हमारा एमओयू हुआ है ये हरेडा के माध्यम से, इसमें बेसिकली हमारे जो रूफ टॉप्स हैं उसके ऊपर सोलर पैनल्स के माध्यम से हम लगभग 266 किलोवाट का पावर स्टेशन हमारा बनेगा यहाँ पर यूनिवर्सिटी में। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी जब हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी अपनी यूनिवर्सिटी में बनाएंगे, और वो हमें जो हमारी यूनिवर्सिटी के अपनी पावर सप्लाई होगी वो हमें काफ़ी सस्ते रेट पे मिलेगी गवर्नमेंट से। और हमारे आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि यूनिवर्सिटी एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए भी रोल प्ले कर रही है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत दिन से हम कोशिश कर रहे थे, अभी आज हमारा एमओयू हुआ है और इस एमओयू के माध्यम से विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स हमारे रूफ टॉप। दिसंबर का महीना शुरू होते ही सर्दी चरम पर पहुंचने लगती है। ऐसे में बेसहारा लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से नगर परिषद में रैन बसेरे की व्यवस्था की जाती है, लेकिन नगर परिषद में बने रैन बसेरे की हालत दयनीय हो चुकी है। आपको बता दें, प्रशासन की लापरवाही के चलते रैन बसेरे में जहां गंदगी का आलम है, तो वहीं सुविधाओं का भी अभाव बना हुआ है। इस दौरान प्रधान कुलदीप सिंह ने बताया कि रैन बसेरे का ये कार्य एसआई अजायब सिंह की एसआई ब्रांच देखती है, जिसके लिए कर्मचारी की व्यवस्था जो है वो भी की गई है। नगर परिषद में रैन बसेरे में कुछ अव्यवस्था की सूचना मिली है, जिसके चलते एसआई ब्रांच को जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए।
ताकि व्यवस्था को सुचारू किया जा सके। देखिए टवाणा नगर परिषद में जो रहने बसेरे की व्यवस्था है हमारी एसआई ब्रांच है अजय सिंह है, तो उसके नेतृत्व में लगभग टीम हमारी वहाँ पे हमने एक निरीक्षक भी रख रखा है जो उसकी व्यवस्था दिन रात देखता है, तो एक अच्छी व्यवस्था के तौर पे वहाँ पे हमारी टीम काम कर रही है। अभी हाल फिलहाल में संज्ञान में आया कि वहाँ पे कुछ अव्यवस्थाएँ देखने को मिल रही हैं, जैसे सफाई व्यवस्था को लेकर के हैं कुछ और है, तो उसके बारे में आज ऐसे ही ब्रांच को निर्देश जारी हमने कर दिए हैं कि जल्द से जल्द उसमें एक अच्छा सा रैन बसेरे के तौर पर उसको तैयार करके रखे, ताकि आने वाले भविष्य में जब भी उसकी किसी की जरूरतमंद है कोई रैन बसेरे का यूज़ करना चाहता तो उसके लिए कर सके। अभी जैसे लॉकडाउन के दौरान ऐसी उसमें कुछ नहीं आए रहने वाले, अभी लगभग ऐसे ही हमारी टीम है वहाँ पे खाली उसकी व्यवस्था देख रही है। तो प्रशासन की यहाँ पर लापरवाही नजर आ रही है। आपको बता दें दिसंबर का महीना शुरू होते ही सर्दी जो है वो चरम पर पहुंचने लगती है, और ऐसे में बेसहारा लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से नगर परिषद में रैन बसेरे की व्यवस्था की जाती है, लेकिन नगर परिषद में बने रैन बसेरे की हालत जो है वो दयनीय हो चुकी है। आपको बता दें प्रशासन की लापरवाही के चलते रैन बसेरे में गंदगी का आलम है और सुविधाओं का अभाव बना है। इस दौरान प्रधान कुलदीप सिंह ने यह बताया कि रैन बसेरे का ये कार्य एसआई अजैब सिंह की एसआई ब्रांच देखती है, जिसके लिए कर्मचारी की व्यवस्था की गई है। नगर परिषद में रैन बसेरे में कुछ अव्यवस्था की सूचना जो है वो मिली है, जिसके चलते एसआई ब्रांच को जरूरी निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इस बार गीता जयंती पर अद्भुत नजारा दिखेगा। इस बार ड्रोन कैमरे से एरियल व्यू में गीता जयंती के दिन ऐसा खास चित्र लिया जाएगा जिसमें 2 लाख दीप भगवान श्री कृष्ण शंख या मोर पंखी की आकृति में नजर आएंगे। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर इस तरह की आकृति डिजाइन करने का जिम्मा एनआईडी उमरी को मिला है। जीटी रोड स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ये आकृति अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 के लिए तैयार कर रहा है। कोरोना काल होने से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 में भले लोगों की भागीदारी नहीं होगी, लेकिन वर्चुअल प्लेटफॉर्म और महाभारतकालीन 134 तीर्थों पर इस महापर्व की चकाचौंध जरूर दिखेगी। इस बार ब्रह्म सरोवर पर 1,80,000 गीता जन्मस्थली ज्योतिसर और पिहोवा सरस्वती तीर्थ के अलावा करनाल कैथल पानीपत और जींद जिले के एक एक तीर्थ पर 18,000 दीप गीता जयंती पर प्रज्वलित होंगे, जबकि पांचों जिलों के 130 तीर्थों पर 1,800 दीप प्रज्वलित होंगे। इस उत्सव का रोडमैप तैयार हो चुका है। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार।